हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका हिंदी का सुलेख लिखने का दिन है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। आज बेटा हम लाइन बनाते हैं च से चम्मच। तो देखो बेटा कैसे बनेगा च। सबसे पहले बेटा हमने लाल लाइन के पास शुरू करना है, बीच में से सीधी लाइन आई बेटा, वापस गए, नीचे गए, धीरे धीरे इसके ऊपर गए, इसी के बराबर आ गए। सीधी लाइन ऊपर से आएगी बेटा, लाइन से इस लाइन तक च, ठीक है बेटा। अब छ लिखने के लिए ब्लैक लाइन से थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे, गोल किया बेटा, वापस गए, लाइन टच की हमने, थोड़ा सा ऊपर गए मोटाई में, गोल किया, ये लाइन लगाई बेटा हमने ऊपर से छ। बेटा आपने मैम को ध्यान से देखना है कि मैम किस ढंग से हाथ चला रही है बेटा, आपको वैसा ही हाथ चलाना है। ज के लिए सीधी लाइन आई बेटा, सीधी लाइन पीछे जाएंगे, वापस धीरे धीरे इसके ऊपर लाइन्स के ऊपर ज, ज छोटी सी लाइन आएगी बेटा, ये लाइन आएगी, यहाँ पे हम छोटा सा सी बनाएंगे, लाइन के बराबर आ गई, मोटाई में सी बनाया बेटा, इसके ऊपर ये इसको निकाला, पतला सा कर्व लिया, सीधी लाइन, ये बेटा हमारा ज, ये है बेटा हमारा अइया, ठीक है बेटा, पतला सा कर्व, सीधी लाइन, ये हमारा अइया। तो बेटा आपने ये लाइन छोड़ के इस लाइन में आपने ऐसा ही लिखना है, ठीक है, जिससे आपकी दोहराई भी हो जाएगी और आपको लिखना भी आएगा। इसके आगे बेटा हम लिखते हैं आ की मात्रा के शब्द। तो क्या लिखना है यहाँ पे हमने, आ की मात्रा, ठीक है बेटा। तो अब हम बना रहे शब्द बना रहे बेटा आ की मात्रा। अब आपने ध्यान से देखना है कि हमें आ की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जिस भी वर्ण या स्वर के साथ हमें आ की आवाज़ आएगी आपने वहीं पे आपने आ की मात्रा लगानी है। अब मैंने बोला है काजल, मैंने बोला है काजल, यानी आवाज़ किसके साथ आ रही है आपको बेटा, क के साथ। तो हमारी मात्रा कहाँ आएगी बेटा, क के साथ, क सीधी लाइन बेटा, बीच में से शुरू किया, वापस गए जहाँ से शुरू किया था। अब देखो यहाँ पे आवाज़ आई तो हमने यहाँ पे लगा दिया आ की मात्रा, मैंने बोला काजल तो का बन गया, आगे मैंने खींची की आवाज़ आ रही है जल, ज बनाया बेटा, ल सीधी लाइन, आधे से ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे इसको नीचे लाएंगे, लाइन से मिला देंगे, ऊपर ही हमारी लाइन आएगी। तो बेटा क्या लिखा मैम ने आपके लिए, काजल। अब मैम आपको बोल रही हैं महान, क्या बोला मैम ने, महान। अब आप बोल बोल के देखिए कि आपके को कहाँ पे आवाज़ आ रही है, आ की साउंड, आ की आवाज़ कहाँ से आ रही है, आपने वहीं पे आ की मात्रा लगानी है। मैंने बोला है महान, यानी कि ह के साथ आवाज़ आ रही है, तो पहले लिखेंगे हम म, मैंने बोला है महान तो आवाज़ आ रही है बेटा ह के साथ, ह न महान, ठीक है बेटा, ऊपर लाइन आ गई। अब मैम आपको बोल रही हैं लिखो तबला, क्या बोला मैम ने, तबला, तो आ की आवाज़ किसके साथ आ रही है, तबला, ल के साथ, वेरी गुड। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे त बनाएंगे, सीधी लाइन आई बेटा, त, तो बेटा मैंने बोला है तबला, तो आवाज़ किसके साथ आ रही है, ल के साथ, पहले हम लिखेंगे तब, तो तब कैसे लिखेंगे, तब, तब सीधी लाइन बेटा, बीच में से ब बनाएंगे, जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म करेंगे, तब, मैंने बोला ला, तो यानी कि ला, ल के साथ आ की मात्रा, तो क्या बन गया बेटा ये तबला, ठीक है बेटा। आपने इन लाइनों में दोहराई करनी है। और अब नीचे हम बेटा हम चार अक्षरों का जोड़ लिखते हैं, चार अक्षरों का जोड़। मैम आपको बोल रही है पकवान, ताकि आपको आ की मात्रा भी समझ आए, और देखो कहाँ पे आवाज़ आ रही है आपकी, मैम ने बोला है पकवान, तो मैम पहले आप लिखो बेटा पक, प क बीच में शुरू करो, पक, मैम ने बोला है वान,
सीधा लाइन व न। तो बेटा क्या लिखा आपने, पकवान। तो बेटा आपने यहाँ इनके जगह पे भी आपको बनाकर देखना है, सीखना है, आपने दोहराई करनी है। धन्यवाद।